केजी के बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हम पिछली बार की क्लास में कर रहे थे तीन अक्षरों से शब्द गठन। हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे शब्द आनंद बुक से पेज नंबर 38 जो कि है इन शब्दों को पढ़ो, आज हम उन्हीं को अच्छे से अक्षरों के साथ पढ़कर अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हमने फसल तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था, समाप्त कर लिया था। अब हम चलते हैं टहल से। त ह ल टहल, च ह ल चहल, प ह ल पहल, ग ग न गगन, ल ग न लगन, अ ग न अगन, ब द न बदन, भ ज न भजन, च म क चमक, द म क दमक, प ल क पलक, न म क नमक, क न क कनक, झ प ट झपट, ट ड प ट डपट, ल प ट लपट, र प ट रपट, क प ट कपट, प व न पवन, ह व न हवन, अ म न अमन, न म न नमन, द म न दमन। तो बच्चों, आज मैं आपको दमन तक के जो अर्थ हैं इन शब्दों के उनको भी समझाऊंगी। जैसे हमने यहाँ पे पिछली बार पढ़ा था अगल बगल मतलब आसपास के लोग, उसी तरह अकल मतलब हमारा ब्रेन, राइट, हमारा मस्तिष्क, उसमें जो बुद्धि भरी होती है, जो बुद्धि होती है उसको हम कभी कभी अकल भी कहते हैं। आप में बहुत सारी अकल है, राइट। तो नकल, नकल मतलब क्या होता है, किसी चीज का अनुकरण करना। जो कोई एक, कभी कभी हम लोग होते हैं जो कोई कुछ करता है तो वो बुरी आदतें हम लोग ज्यादा नकल कर लेते हैं, उसे ज्यादा अच्छी तरह सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जबकि अच्छी आदतों को सीखने में देर लगती है। तो नकल कीजिए लेकिन अच्छी चीजों की कीजिए, न कि बुरी चीजों की, ठीक है। अनुकरण करना अच्छी बात होती है लेकिन अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए नहीं। सकल मतलब हम सब एक साथ, कमल यानी यस लोटस, और फसल जैसे मैंने आपको कहा था जिसे हम इंग्लिश में क्रॉप भी कहते हैं, जैसे खेत में किसान उगाता है और वो जब लहराते हैं खेत में तो हम कहते हैं फसल तैयार है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं टहल की तरफ। टहलना मतलब घूमना, थोड़ी देर आसपास कहीं घूमना ताकि आपका मन मस्तिष्क क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए, आपको एक नई ऊर्जा का संचार हो आप में। चहल पहल, ये जो चहल पहल है ये है बहुत ज्यादा एक्टिव होना। कभी कभी हम कहते हैं हमारे घर के सामने तो बहुत चहल पहल होती है। चहल पहल का मतलब शोरोगुल होता है, लोगों का आवजाऊ होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बातें करते हुए नजर आते हैं, तो हमेशा वो बहुत व्यस्त रहते हैं, वो गली बहुत व्यस्त रहती है, तो उससे हम कहते हैं कि हमारी गली बहुत चहल पहल वाली है, ठीक है। तो गगन, गगन का मतलब आसमान, लगन, लगन का मतलब होता है जो एक मन से एकाग्र से कोई काम करे, वो बहुत लगन से पढ़ाई कर रहा है, मतलब एकाग्रत होकर पढ़ाई कर रहा है। अगन, अगन यानी जो कभी कभी एक चीज की प्यास होती है, जैसे कि तृष्णा होती है, मुझे वो डॉक्टर बनना ही है, तो ये लगन से पढ़ाई करने कर रहा है
क्योंकि उसमें एक अगन है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा। ओके, एम्बिशन, मोटो। बदन यानी शरीर, भजन यानी आप जानते ही हैं जो ईश्वर की आराधना में गाने गाए जाते हैं उसे भजन कहते हैं। चमक यानी शाइन, दमक, चमक दमक यानी शाइन एंड ग्लिस्टर, जहाँ इन दोनों वर्डों को भी एक साथ यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। चमक दमक यानी उनके तो काफ़ी चमक दमक है, मतलब ये मुहावरा हो जाता है कि चमक दमक मतलब काफ़ी उनके पास तो रुआबदार हैं वो लोग, वो उनको तो बहुत हैसियत वाले हैं। ठीक है, तो पलक यानी आपकी आंखों के ऊपर के जो लैशेज हैं उसे हिंदी में पलक कहा जाता है। नमक, सॉल्ट। कनक यानी सोना, गोल्ड। ओके, गोल्ड का हिंदी में और एक नाम है कनक। झपट, झपटना मतलब छीन लेना, जैसे कि अगर पापा एक चॉकलेट लाते हैं बहन के लिए और आप भी बहन से लड़ पड़ते हैं और उसे ले लेते हैं जोर से, ठीक है, सीना जोरी से, तो उसे कहते हैं झपट लेना। ठीक है, जोर से यानी मतलब डोमिनेट करके कुछ ले लेना, झपट लेना। और डपट का मतलब होता है डांट, डांट डपट के, मम्मी ने मुझे चुप करवा दिया। ठीक है, लपट यानी स्लैप यानी थप्पड़। रपट यानी कंप्लेन, रपट लिखवाना, पुलिस में रपट लिखवाना यानी कंप्लेन लिखवाना। कपट यानी चीटिंग करना, ठीक है, कपट का मतलब होता है चीटिंग। पवन यानी हवा, एयर। हवन, हवन जो हम लोगों ने पहले ही सीखा है कि यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ आयोजन होता है उसे हवन भी कहते हैं। अमन, अमन यानी जो शांति प्रिय होते हैं, ठीक है, शांति देश में रहे, हम अमन पसंद लोग हैं। तो नमन, नमन यानी दो हाथों को जोड़कर नमस्कार करना, नमन करना, प्रणाम करना। दमन यानी किसी पर अपना अस्तित्व का क्या कहते हैं, रौब जमाना। ठीक है, मैं तो ये हूँ तो तुम्हें तो ये करना ही है, तो इसे कहते हैं दमन करना, किसी का हक, किसी के हक के ऊपर अपना अधिकार जमाना, तो ये होता है दमन करना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अन्याय पर न्याय का, न्याय की जीत हो, उसे भी दमन कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ तक सीखा, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे भगत से। ठीक है बच्चों, तो आप इन शब्दों का अभ्यास करें, घर पर अच्छे से लिख कर इनका अभ्यास करें, और हम फिर से कुछ नए शब्दों के साथ अभ्यास करेंगे, और मैं आपसे फिर से मिलूंगी नए क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हम बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।